हेल्पन दोस्तों आज हम सीखे फाइंड द मिसिंग नंबर। दोस्तों मिसिंग नंबर फाइंड करना है, यह मिसिंग नंबर दे रखा है। देखिए दोस्तों, 5 से 6 कैसे बना होगा, 6 से 130 कैसे बना होगा। अगर 5 से 6 बनाते हैं तो 1 कम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कितने कम करेंगे, 130 आए, तो इस तरह से नहीं होगा, है ना, इस तरीके से नहीं होगा। इसको ऐसे रिलेशन देखते हैं और ऐसे रिलेशन इसका देखते हैं। तो 5 से इसका क्या रिलेशन होता है, देखिए अगर 5 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना होगा, 5 का क्यूब होता है दोस्तों, देखिए 5 का क्यूब होगा कितना होगा, 5 × 5 = 25, 125 होगा। अगर इसमें भी वही 5 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 130 हो गया, है ना। इसी तरह 6 का क्यूब कितना होगा, देखिए 6 का क्यूब कितना होगा, 6 × 6 = 36, 216 प्लस 6 जोड़ दें तो कितना होगा, 6 × 6 = 12 का 2 × 1 = 1, 1 × 2 यानी 222। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मार्क कौन सा आंसर आएगा, 222, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 क्वेश्चन मार्क दिया है। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि यहाँ तो एक डिफरेंशियल है, सभी एक सब क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 3 आएगी। 3 के बाद कौन सी आएगी, 5 आएगी। इसके बाद 7 आएगी, 7 के बाद फिर 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी। 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, देखिए 13 के बाद एक अभाज्य संख्या और बीच में छूट गई है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 भी होती है। कौन सी संख्या होती है दोस्तों, 17 भी होती है, है ना। 13 के बाद कौन सी होती है, 17 भी होती है, लेकिन इसने 19 दे दिया, 19 भी एक अभाज्य संख्या है। 19 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 23 होगी। कितनी होगी, 23 होगी। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 23 आएगी, क्योंकि 13 के बाद एक 17 भी अभाज्य संख्या बीच में, 17 के बाद 19 होती है और 19 के बाद 23 अभाज्य संख्या, यहाँ के क्रम से कौन सी आएगी, 23 एक अभाज्य संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि यहाँ पे 25, 15 और 10, 25 होते हैं। 25 में अगर 5 का गुणे तो गुणा करें तो 125 हो जाता है। ये 8 × 4 = 12। अब 12 में किसका गुणा करें, ये 12 × 5 = 60। ये यहाँ पे इसे गुणा करने पे टिक नहीं बन रही है, तो अगर इसको माइनस करके देखते हैं तो 15 में से 10 माइनस करें कितने बचे दोस्तों, 5 बचे। अगर 125 लाना है, 5 का क्यूब करें तो 125 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 8 में से अगर 4 माइनस करें तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 का क्यूब करें तो 4 × 16 = 64 हो जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ देखते हैं कि 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 6 का क्यूब करें तो 216 हो जाएगा। अगर यहाँ क्या आएगा दोस्तों, वो आपको बताना है कि 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9 बचे। कितने बचे, 9, और 9 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होगा, देखो 99 कितना होता है, 81 होता है। 81 में 9 का गुणा करें तो 9 × 9 = 72, यानी कि 729 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 729 आएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।